हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस के बारे में कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस क्या होता है, किस तरह से हम पहचानते हैं और ये कहते हैं कि ये सेंटेंस, ये वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, और क्या तरीका होता है, क्या परफेक्ट मेथड होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को बनाने का। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस के बारे में जानने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को हम किस तरह से पहचानते हैं, क्या पहचान होता है इस टेंस के सेंटेंस को पहचानने का। तो यहाँ पे देखिए, आपको बताया गया है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी और रहे थे का सेंस आता है, तो वो सेंटेंस किस टेंस का सेंटेंस होता है, वो सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। मैंने आपको क्या बताया कि जब आपके सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी और रहे थे का सेंस आएगा, तो वो सेंटेंस किस टेंस का सेंटेंस होगा, वो सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं। इस सभी सेंटेंसेस के थ्रू आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को पहचानते हैं। यहाँ पे देखिए, सेंटेंस क्या है, वह खाना खा रहा था, आप मैच खेल रहे थे, क्या अनु स्कूल जा रही थी, वह आज कहाँ जा रहा था। यहाँ पे देखिए, इस सेंटेंस के लास्ट में रहा था, इस सेंटेंस के लास्ट में रहे थे और इस सेंटेंस के लास्ट में रही थी और इस सेंटेंस के लास्ट में रहा था का सेंस आ रहा है। तो ये जितने भी सेंटेंस लिखे गए हैं, इन सभी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी और रहे थे का सेंस आ रहा है, जिसके वजह से ये सभी सेंटेंस किस टेंस के सेंटेंस हैं, ये सभी सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस हैं। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, इस तरह से आप पहचानते हैं कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। अब हम चलिए मूव करते हैं और ये जानते हैं कि किस तरह से हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को बनाते हैं, क्या परफेक्ट मेथड होता है इस टेंस के सेंटेंस को बनाने का। तो यहाँ पे देखिए, आपको बताया गया है कि जब आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को बनाएंगे तो आप वाज और वर्ब का यूज करेंगे, किसके तौर पे, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। और जब आप मेन वर्ब का यूज करेंगे यानी मुख्य क्रिया का यूज करेंगे तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म का, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करेंगे, जिसे क्या कहा जाता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक फैक्ट है जो मैंने आपको बताया इसके बारे में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस के बारे में। अब चलिए हम ये जानते हैं कि किस स्ट्रक्चर के थ्रू हम इस टेंस के सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको बताया गया है कि जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो आपको अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर अप्लाई करना है, और जब आपका सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस होगा यानी नकारात्मक वाक्य होगा तो आपको निगेटिव का स्ट्रक्चर वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है सेंटेंस को बनाने के लिए। और जब आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव का होगा तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, और जब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का होगा तो आपको इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर यहां पे क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा सेंटेंस को बनाने के लिए। यहां पे देखिए, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बता देना चाहता हूं। ये कहता है कि जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप वाज और वर का यूज करेंगे। ये डिपेंड करता है किस पे, सब्जेक्ट पे। अगर आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे आपको बताया गया है, अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो आप उन सभी सब्जेक्ट के साथ वाज का यूज करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको किसका यूज करना है, वर का यूज करना है। तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करेंगे। चलिए हम ये स्ट्रक्चर इन दोनों सेंटेंस को बनाने के लिए फॉलो करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से सेंटेंस हमारा बनता है। यहाँ पे देखिए, ये दोनों सेंटेंस क्या है, ये दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव का सेंटेंस है, वह खाना खा रहा था, आप मैच खेल रहे थे। यहाँ पे सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं जैसा आपको स्ट्रक्चर में बताया गया है।
ही सब्जेक्ट हो गया। अब ही क्या है, देखिए यहाँ पे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमको किसका यूज करना है, वाज का यूज करना है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, वाज का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, जो मेन वर्ब होगा उसकी कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए खाना, ठीक है, खाना के लिए हम किसका यूज करेंगे, एट, और एट की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, तो ये हो जाएगा ईटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, फूड, तो ये सेंटेंस बनेगा ही वाज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा था। यहाँ पे सेंटेंस को बनाते हैं, आप मैच खेल रहे थे, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है यू। अब यू क्या है, यू ना तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है और ना ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जब ये फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, वर का, ठीक है, यू वर। उसके बाद यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, प्ले, और प्ले की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, द मैच, द मैच, यू आर प्लेइंग द मैच, आप मैच खेल रहे थे। इस तरह से आप क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो अब हम मूव करते हैं कि जब हमारा सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस होगा, यानी नकारात्मक वाक्य होगा, तो हम सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि जब आपका सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य होगा तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना होगा, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज और वर का, इसके तुरंत बाद आपको नॉट का यूज करना है, NOT, नॉट का यूज करना है। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्टिव पार्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करना है। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव जो सेंटेंस लिखा हुआ होगा वो सेंटेंस बहुत ही इजीली तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए ये सेंटेंस इस तरह से ना होता, वह खाना खा रहा था, बल्कि ये होता, वह खाना नहीं खा रहा था, वह खाना नहीं खा रहा था, आप मैच खेल रहे थे, आप मैच नहीं खेल रहे थे। तो अब यहाँ पे देखिए ये दोनों सेंटेंस किस में कन्वर्ट हो गया, ये दोनों सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया। तो अब आप किसका यूज करेंगे यहाँ पे इस सेंटेंस को बनाने के लिए, यहाँ पे देखिए आपको निगेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ पे अप्लाई करना होगा, और निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि वाज और वर के बाद आपको किसका यूज करना है, नॉट का यूज करना है। तो ये सेंटेंस बनेगा ही वाज नॉट ईटिंग फूड, वह खाना नहीं खा रहा था, आप मैच नहीं खेल रहे थे, यू वर नॉट प्लेइंग द मैच। इस तरह से आप क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। अब हम मूव करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा यानी प्रश्नवाचक वाक्य होगा, तो हम सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि जब आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले WH फैमिली का यूज करना है, उसके बाद वाज और वर का यूज करना है, ये डिपेंड होता है किस पे, सब्जेक्ट पे। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करना है, आपका इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बन जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस क्या है, क्या अनु स्कूल जा रही थी, यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है। वह आज कहाँ जा रहा था, ये भी सेंटेंस देखिए इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस के लास्ट में भी किसका यूज किया गया है, क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है। तो ये दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या अनु स्कूल जा रही थी, सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, देखिए क्या यहाँ पे हम WH फैमिली का यूज करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या अनु स्कूल जा रही थी, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं, अगर इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है, तो यहाँ पे हम WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे, और अगर इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता है, तो वहाँ पे हम WH फैमिली का यूज करेंगे। तो क्या, अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछूं, क्या अनु स्कूल जा रही थी, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं, तो यहाँ पे हम WH फैमिली का यूज करेंगे नहीं। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वाच और वर से, यहाँ पे वाच का यूज किया जाएगा या वर का। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है अनु, जो क्या है, एक नाम है, और नाम क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम किसका यूज करते हैं, वाज का यूज करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है अनु, यहाँ पे अनु का यूज करिए। वर्ब देखिए क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, यहाँ पे वर्ब क्या है, जाना, और जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, किस वर्ड का, गो का, और गो की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, गोइंग, वाज अनु गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, टू स्कूल,
टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपका सेंटेंस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। वह आज कहाँ जा रहा था? यहाँ पे देखिए, क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं? अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछूं, वह आज कहाँ जा रहा था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? डब्ल्यू एच फैमिली का यूज करेंगे। और डब्ल्यू एच फैमिली क्या है? यहाँ पे कहाँ और कहाँ के लिए किसका यूज किया जाता है? वेयर। उसके बाद वाज या वर, यहाँ पे वह है, वह के लिए किसका यूज किया जाएगा? ही का। और ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का, तो यहाँ पे वाज। उसके बाद ही, वेयर वाज ही। यहाँ पे वर्ब क्या है? जाना, तो यहाँ पे लिखिए गोइंग। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पार्ट में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं लिखेंगे, टुडे लिख देंगे। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। जब आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य होता है, तो अब आते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर पे। देखते हैं कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए इसको अप्लाई किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, सेंटेंस जब आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होगा यानी प्रश्नवाचक वाक्य होगा, और उस प्रश्नवाचक वाक्य में नॉट का भी यूज किया गया होगा, तो वह उस सेंटेंस को बनाने के लिए आप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर ये सेंटेंस इस तरह से होता, क्या अनु स्कूल नहीं जा रही थी, इस तरह से होता। इस सेंटेंस में देखिए क्वेश्चन मार्क और नहीं का यूज हुआ है। वह आज कहाँ नहीं जा रहा था, इस सेंटेंस में भी देखिए क्वेश्चन मार्क और नहीं का यूज हो रहा है। तो ये दोनों सेंटेंस अब किस में कन्वर्ट हो गए? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो गए। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है? डब्ल्यू एच फैमिली, वाज और वर सब्जेक्ट, यहाँ पे नॉट, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये स्ट्रक्चर रहेगा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको किसका यूज करना है? नॉट का। वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज कर देंगे। आपका सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होगा वो बहुत ही इजीली तरीके से बन जाएगा। जैसे क्या अनु स्कूल नहीं जा रही थी, सेंटेंस को जब आप बनाएंगे तो क्या होगा? सब्जेक्ट कहाँ पे है? अनु, और अनु के बाद आप किसका यूज करेंगे? नॉट का। वह आज कहाँ नहीं जा रहा था? वेयर वाज ही, जो क्या है? सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट के बाद किसका यूज कर देंगे? नॉट का। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिए अप्लाई हो गया और सेंटेंस आपका बन जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए एक ट्रिक के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ट्रिक क्या, कि अगर आप पर्सन के बारे में आपको नहीं मालूम है, आप नहीं जानते हैं कि पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में अगर आपको नहीं पता है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले पर्सन का वीडियो लेक्चर देखिए। उस पर्सन के वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको ये पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि पर्सन क्या होता है। फिलहाल वो ट्रिक क्या है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, अगर आपको पर्सन के बारे में नहीं पता है, तो आप कैसे ये फाइंड आउट करेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ वाज और किस सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करना है? देखिए, जब आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे वी, यू, दे, दीज, दोज, प्लूरल वर्ड या आल आता है, तो आप इन सब के साथ किसका यूज करते हैं? वर का यूज करते हैं, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप किसका यूज करते हैं? वाज का यूज करते हैं। तो इस ट्रिक को क्या करें, इस ट्रिक को आप फॉलो करें जब आप सेंटेंस क्या कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई लोग इस वर्ब को W E R E को क्या पढ़ते हैं? वेयर पढ़ते हैं। इसको वेयर नहीं पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ा जाता है? वर पढ़ा जाता है। तो ऐसे छोटी छोटी गलतियों को आप क्या करिए, नेगलेक्ट करिए, उसको सुधारिए, तो ही आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।